आज भारत नवनिर्माण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी करण सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में जयपुर के चांद पोल के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर संविधान बचाओ जागृति लाओ अभियान की जनसंपर्क यात्रा शुरू की गई। आपको बता दें कि गणेश चतुर्दशी के पावन पर्व से गणेश पूजन कर पार्टी की पूरी टीम के साथ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सवेरा टांग, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जाकिर चिरानिया, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष तेज सिंह रजावत, एडवोकेट अनिल, जयपुर महामंत्री सिराजुद्दीन, अल्पसंख्यक मोर्चा नेता देवी सिंह परमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी इस जनसंपर्क यात्रा में बड़े जोश के साथ सभी व्यापारी बंधुओं एवं आम जनता से रूबरू हुए। आज देश की हालत बहुत खराब है। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार, महंगाई, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों से आम जन आज न्याय से वंचित है। इन्हीं समस्याओं पर भारत नवनिर्माण पार्टी जनता को जगाने का काम कर रही है, क्योंकि जनता के वोट से ही राज्य और केंद्र की सरकार बनती है। भारत नवनिर्माण पार्टी का मानना है कि जिनको जनता ने चुना है उनका काम जनता की समस्याओं का निदान करना होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गलत प्रतिनिधि को चुनने से जनता की 5 साल तक किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो पाता। इस पर और क्या कुछ कहा गया, देखिए ये वीडियो। मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलाना तो मुक्ति बनाना चाहिए। मुक्ति बनना चाहिए आपा ने। शिक्षक सर शिक्षित होना, आपा बच्चा ने पढ़वाने भेजा, वो अगर टीचर भी ना हो कैसी, जब मैं तो हमारी जाति का लोग आगे आ जाओ, बाकी बाहर निकल जाओ तो देश को सचैना कर रही हो। तो ये टाइम वर्तमान को राजनीतिक परिदृश्य अभी वर्तमान में किसने इस देश को तोड़ा है, इस विषय में सोचना पड़ेगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। वर्तमान में इस देश को तोड़ने में किस राजनीतिक पार्टी का हाथ है, इस विषय में जनता को खुद को सोचना पड़ेगा। हमारा नेता कैसा हो, भगवान के मंदिरों में जाते हैं, टीकी लगाते हैं, भगवान उस मंदिर में बैठता है जहाँ पे तेरा मेरा अपना पराया राग और द्वेष नहीं होता है, जहाँ पे उस जो लोगों में विश्वास पैदा करता है, अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ता है, निर्माण की चेष्टा करता है, राष्ट्र विपदा विपदा है तो बलिदान की चेष्टा करेगा, उसके मन में ईश्वर बैठता है, मन के मंदिर में ईश्वर बैठा है और हम उस ईश्वर को वहां ढूंढ रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे राष्ट्र को न टूटने दें। तो बीजेपी कांग्रेस मत करो, राष्ट्र को बचा लो। जय हिंद, राष्ट्र को बचा लो। ये राष्ट्र है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलते हैं तो मुट्ठी बनते हैं, मुट्ठी बनने की कोशिश करो। वर्तमान में विश्वास खत्म हो रहा है, न्याय खत्म हो रहा है, निर्माण खत्म हो रहा है, बलिदान खत्म हो जाएगा। ये राष्ट्र है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलते हैं तो मुट्ठी बनते हैं। वर्तमान में जातिवाद संप्रदाय का आर्थिक आधार पे गंदगी फूट रही है। हंसो मत, देश को बचाओ, देश को बचाओ। आवाज से लक्ष्य बना के जीत हासिल की गई है, मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। वर्तमान में अराजकता का माहौल है, देश को बचाओ, देश को बचाओ। पैम्पलेट का नहीं बांट रहे हैं, पैम्पलेट बांटे सर, देश को बचाएं। हम देश के लिए आए हैं, हम कभी मर जाएंगे, इस राष्ट्र को पुट्ठी बन के रहने दे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे देश को न टूटने दे। 20% मुसलमान से डराएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन कमजोर पैदा होगी। हमें मुट्ठी बनना है और तुम्हें हमारा साथ देना है और हम तुम्हारे कार्यकर्ता हैं। और आगे आने वाले कल में अच्छे व्यक्ति लाओ, पार्टियों से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा अच्छा व्यक्ति किस पार्टी में आ रहा है। अगर हम पार्टी के गुलाम हो गए तो डिक्टेटर पैदा कर देंगे, आगे आने वाले कल में जस्टिस नहीं हो पाएगा। जस्टिस करना है तो अच्छा व्यक्ति लाना होगा, जो भ्रष्टाचार लोकाचार में तब्दील होता जा रहा है। हर इंसान अपने स्वयं का निर्माण कर रहा है, जो स्वयं का निर्माण करेगा वो राष्ट्र का निर्माण रोक देगा। हम राष्ट्र के निर्माण की चेष्टा के लिए आए, लोगों में विश्वास, न्याय, निर्माण और बलिदान की चेष्टा रखते हैं। हरिंद सिंह के नेतृत्व में चेहरे पे हंसी रखें, हम आपके ग्राहक बन के आएंगे। आगे आने वाला कल कैसा है, हिंदुस्तान की राजनीति में देश को पतन की ओर लेके जा रहे हैं। देश में जागृति लाएं, देश को बचाएं, जातिवाद सांप्रदायिकता आर्थिक आधार से ऊपर उठकर सोचें। मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए आया हूँ, राष्ट्रवादी कारण जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए सोचते हैं। राष्ट्र के निर्माण में आपकी बहुत बड़ा योगदान है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और धर्म और जाति और सांप्रदायिकता के आधार पर कंट्री होना चाहिए। शिक्षक के पास शिक्षित होने से ज़्यादा है, वहाँ पर मैं ये कह दूँगा मेरी जाति के लोग आगे आ जाए सब बाहर निकल जाए, देश देश को दूसरी चीज दिखा रहे हैं, बचा लो देश को, वर्तमान की बाप बर्बादी की ओर जा रहा है कंट्री, कंट्री को बचा लो। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।